भारत के नागरिक चल देखिए आज हम लोग का फिजिक्स में लेसन थ्री है। लेसन थ्री में हम लोग पढ़े थे पहले बल, है ना, बल के पर जितने भी प्रकार था सब पढ़ लिए थे। संतुलित बल था, असंतुलित बल था, सभी जो है हम लोग पढ़े थे। और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या जी था, गैलीलियो गैलीली, उनके जो है बल के जो गति का नियम बताए थे उनका भी गति का नियम हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। किस प्रकार से अपने एग्जाम्पल लिए थे, है ना, उसको भी पढ़ लिए थे। उसमें उसने एक गोली लिए थे और एक नत समतल लिए थे जो प्रयोग बताए थे अपना। और यहाँ पढ़ेंगे इससे बाद हम लोग न्यूटन पढ़ेंगे, है ना। जैसे आप लोग कोई पूछ देता है कि न्यूटन के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना, तो न्यूटन का आप लोग यह खाली जानते हैं कि न्यूटन क्या चाहिए, कि भौतिकी का पिता है, फिजिक्स का पिता है, ये जानते हैं। न्यूटन ने गति के बारे में तीन नियम दिए हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए हैं, जो गुरुत्वाकर्षण का अगला चैप्टर में लोग पढ़ेंगे। और ये तीन नियम दिए हैं, तो न्यूटन कौन थे, तो न्यूटन एक इनका पूरा नाम क्या चीज था, सर आइजक न्यूटन। ये जो कहाँ के थे, ये महान अंग्रेज वैज्ञानिक थे, अंग्रेज के थे, यानी कि कहाँ के, इंग्लैंड के, है ना। यह जो है इनका जन्म जो हुआ था 1642 ईस्वी में, कितने हुआ था 1642 ईस्वी का जन्म हुआ था, और 1727 में मृत्यु हो गया था, है ना। तो इन्होंने गति के संबंध में तीन गो नियम दिए हैं, कितने नियम दिए हैं, तीन गो नियम दिए हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, जो तीनों नियम का प्रतिपादन कब किए हैं, 1679 में। गति का तीन नियम दिए हैं, तीनों नियम का प्रतिपादन कब किए हैं, 1679 में किए थे। और गति जो है, न्यूटन गति का प्रथम नियम जो है, है ना, आपसे जो रटी है तो भूल जाएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा। पहला नियम इसका है कि जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो क्या रहेगी, विराम की अवस्था में ही रहेगी, समझिएगा। जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी। यदि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, है ना। अरे कहने का मतलब समझ में नहीं आया, कुछ आया होगा, नहीं आया कुछ समझ में, नहीं फिर समझिए। जब कोई वस्तु विराम मतलब जिसमें क्या हो, विवेक सुन हो, क्या हो, विवेक सुन हो, तो जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में थी, विराम की अवस्था में ही रहेगी। जब कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, है ना। पहला एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लेते हैं गाड़ी सब कहीं जाते हैं बैठकर, बस से या टेम्पो से, तो गाड़ी जो क्या होती है, एक तरह रूप से जो है अपनी गति की अवस्था में होती है। जैसी जो है गति की अवस्था में रहती है, अचानक ब्रेक मारता है, तब आगे फिर झुक जाते हैं, झुकते हैं। तो पहले आप बैठे हुए थे तो कौन सा अवस्था में थे, विराम अवस्था में थे, और जैसे ही ब्रेक मारा ड्राइवर हुआ तो कहा हुआ आप झुक गए, है ना। तब लोग गाड़ी दे देते दो तीन को, है चलाई थे, है ना। ये क्या होता है, गति का पहला नियम है, कौन नियम है, गति का पहला नियम, यानी कि जो हम लोग हम क्या आराम से बैठल थे, है ना, तो हम क्या जी थे विराम की अवस्था में थे, हमको क्या जी था, यानी गति में परिवर्तन करना है, है ना। तो परिवर्तन करने के लिए क्या चाहिए हमको, बाहरी से कोई ढकेलेगा था ना, तो जैसे ब्रेक मार दे हमारे झुक गए। ये पहला एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति दौड़ता है, व्यक्ति दौड़ता ना है, लड़का दौड़ता है, हमारा पूरा तेज दौड़ता है, और वो कहे हम रुको, तू रुकेगा भी नहीं, रुका ना, मैं अचानक थोड़ा सा आगे दौड़ कर रुकेगा, रुकता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो क्या होता है गति के वास्ते में रहती है, जब तक उसे बाहरी बल ना लगेगा, और जैसे जोर से एकदम दौड़ रहा है, जोर से पकड़ एकदम हवा सुना, वहीं रुक जाएगा, रुकेगा। यह क्या चीज़ है, अभी क्या है, गति का प्रथम नियम का ही एग्जाम्पल है, है ना। फिर से समझिएगा, है ना, फिर बता देते हैं, जब कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगी, विराम की अवस्था है तो विराम की अवस्था में ही रहेगी, जब तक उसके उस पर क्या हो बाहरी बल ना लगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, कंबल वाला, जब देखते हैं कंबल जो है ठंड के मौसम में ओढ़ते हैं ऐसे पता नहीं चलता कितना उसमें गर्दा है, नहीं ना, जैसे उसको मारते गर्दा, तो भान निकलता पर निकलता गर्दा ना,
तो पहले तो गर्दा क्या जी था, विराम अवस्था में था, और जैसे हम बॉल मार के पीटने लगे तो गर्दा निकलने लगा, तो क्या हो गया, गति अवस्था हो गया ना, गिर गया ना, तो क्या हो गया, ये भी क्या न्यूटन का पहला गति के नियम का एग्जाम्पल है। तो नहीं समझ में आ रहा होगा, मान लो आप कहीं जा रहे थे है ना, अचानक रास्ता में कहीं जा रहे हैं, अब गलती की अवस्था थे है ना, कोई ने आया व्यक्ति एक ट्रक मार दिया तो टूटने लगे है ना ऐसे ऐसे, अब देखने लगे इधर उधर, तो क्या होगा, अब विराम हुआ था, हम रुक गए है ना, रुके ना, अब मैंने चल रहे थे पूरा बाई में, कोई मार दिया आपको तबड़ाक से, तो क्या हो गया, एक तरह से परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन करने के परिवर्तन करने के लिए क्या जरूरत है, बाहरी बल की जरूरत होती है, होती है। मान लेते हैं कि अथी के दिन में ना बैर कब फरता है, गर्म ठंड के मौसम में ना, अब बैर पूरा पेड़ पर पूरा फरा हुआ था बैर है ना, आप गए देखे मालिक नहीं है बैर वाला, पूरा दम दिए, दम दिए ना, तो बैर पूरा गिर जाता है, नहीं गिरता है या ऊपर चढ़ दमते है पूरा, पर हम चढ़ेंगे पूरा हम दमित रहेंगे, पूरा हम गिरता है हम, और कोई भी चीज का पौधा आम का भी पौधा होता है तो दूसरे पूरा दौड़ते क्या करते हैं, दोमते हैं इमली के भी पौधा पर, तो क्या होता है, पहले बैर क्या चीज था, विराम अवस्था में था, तो विराम एक अवस्था में रहेगा जब तक उसे बाहरी बल हम लगाई में नहीं करते, परिवर्तन होगा कभी नहीं होगा। इस तरह से क्या करते हैं, ये गति का पहला नियम है। आप दैनिक जीवन में कोई बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं, जैसे मान लो खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते समय जो है ऐसा कभी आता है कि छोड़ के बाहर चले जाते हैं है ना, और उसी अवस्था में क्या होता है, खाना बनते में तो ज्यादा जो है आँच लग जाता है, आँच किसे बोलते हैं, जो खाना बनाते ना है तो ज्यादा जल जाता है तो उसी के अवस्था में जल जाता ना है, तो उसको रोकने का कोई है ये नहीं है, तो जैसे रोकते तो क्या हो जाता, वो रुक जाता जो है, भोजन नहीं जलता नहीं, तो भी क्या गति का नियम है, क्या है गति का नियम है, बहुत सारा ऐसे दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तो समझ में आया, तो क्या जी समझ में आया, तो समझिएगा फिर से, जब कोई वस्तु गति के अवस्था में तो गति के अवस्था में रहेगी, जब कोई वस्तु विराम के अवस्था में तो विराम के अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल का उपयोग ना हो। क्या है, पहला नियम है, अब याद हो गया होगा ना, बहुत सारे एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं, या कल से पानी चलाते हैं है ना, पर पानी क्या चीज में था, विराम में था, पानी बाहर निकल गया था, क्या चीज में हो गया, वो उस अवस्था परिवर्तन हुआ, ये भी क्या चीज गति का पहला नियम है कि नहीं। एक वस्तु क्या उसका उसकी स्थिति में परिवर्तन की जाती है, या गाड़ी तक चलते रहता है, उसको रोकने के लिए क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए, बिना ब्रेक मारने से रुकेगा भी नहीं, रुकता है, ये क्या होता है गति के वास्ते, तो गति में रहेगा जब उसको रोका ना जाएगा है ना। हमारे तक कोई ले लीजिए, कभी एक आंटी ले जाए, कोई ले लीजिए, कहीं समतल से रुका दीजिए है ना, तो अपने अपने कब रुकता है, जब उस पर कोई बाहरी बल लगता है या बोल सकते कौन सा बल, घर्षण बल, घर्षण बल किसे कहते हैं, घर्षण बल है ना, सरकता है, घर्षण बल कहते हैं, यानी जो कोई भी वस्तु की सतह पर लगती है, सरकती है, चलने की चेष्टा करती है, उसे क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, क्योंकि घर्षण बल रुकता है। ये कहा था न्यूटन ने गति का पहला नियम दिया था, जो गैलीलियो बताया था, गैलीलियो ने भी एक नियम दिया था जिसका नाम था जड़त्व का नियम, क्या नाम था, जड़त्व का नियम, विराम में अथवा गति अवस्था में है तो अपनी परिवर्तन की क्या करेगी, विरोध करती है, क्या करती है, विरोध करती है ना। हमारे तय कि आपको कहीं जाने का मन नहीं है, आपको बरियारी करेगा, बरियारी का चलबे करो तो विरोध कर रहे हैं ना आप, नहीं हमको नहीं जाना, तो यह क्या होगा, गति जो है जड़त्व का नियम होता है, तो जड़त्व का वह नियम है जो किसी क्या होता है, जो किसी वस्तु के वह गुण है जो क्या होता है, अगर गति में है तो गति अवस्था के परिवर्तन, और एक अजी बोलते हैं, अरे विराम अवस्था में विराम अवस्था से गति अवस्था परिवर्तन के लिए क्या करता है, वो विरोध करती है, करती है विरोध करती है, क्या होता है, जड़त्व का नियम होता है, क्या होता है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, बोले थे न्यूटन की जड़त्व का नियम है ना, जड़त्व का नियम क्या चीज है, न्यूटन ने गति का प्रथम नियम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जड़त्व का नियम न्यूटन के गति के किस नियम से मिलता है, तो न्यूटन गति के प्रथम नियम से, कौन नियम से, प्रथम नियम से,
प्रथम नियम समझ में आ गया होगा? यस सर। गलत है। अब जड़त्व जो दो प्रकार का होता है, एक होता है गति जड़त्व, एक होता है विराम जड़त्व। विराम जड़त्व जो गति के क्या होता है, गति में रहता है तो गति जड़त्व हो गया, जो विराम में रह गया है ना। तो इस तरह से कहा था हम लोग समझ सकते हैं।